मिस नैना बत्रा, नाम ही काफी है, है ना? शायद इसीलिए फॉर्म अधूरा छोड़ दिया है। पति का नाम ब्लैंक। इमरजेंसी में किसी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट करें, ब्लैंक। एड्रेस ब्लैंक। सब कुछ ब्लैंक छोड़ दिया है। क्यों? तुम्हारी तरह हर चीज खोखली रखना चाहती हो? ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, क्या मैं इसका मतलब जान सकता हूँ? आप ही ने तो कहा है ना, मेरी जिंदगी खोखली है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई नहीं है मेरा, ना पति ना कोई करीबी रिश्तेदार। आपको पता होगा या शायद आपको ना भी पता हो, क्योंकि आप इंडियन नहीं, पर किसी भी औरत की पहचान के लिए उसके पति का नाम जरूरी नहीं। मैंने अपने लेट फादर का नाम लिखा है। इमरजेंसी में उन्हें फोन करूं क्या? और तुम्हारे बच्चे का बाप, उसका नंबर तो होना चाहिए ना? तुम्हारा पति इंडिया में नहीं है, इट्स ओके। तुम्हारे पति का नंबर नहीं है, इट्स ओके। लेकिन बिना पति के पेट में जो बच्चा लेके घूम रही है, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो उसका नंबर तो होना चाहिए ना? किसी का तो नंबर होना चाहिए, जरूरी है। शायद इसीलिए सारे रिश्ते छूट गए तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें निभाना नहीं आया। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी नौकरी सलामत है या नहीं। तुम ये जो डिग्री लेके घूम रही हो ना, उसका इस नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। पांडे ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया, मैं तो तुम्हें इस ऑफिस के आसपास भी नहीं भटकने देता। तुमने जरूर उसे अपने मेहनत और लगन का भाषण दिया होगा, लेकिन मुझ पर ये सब मत आजमाना। मेरा बिजनेस झूठे वादों पर नहीं चलता। कहां जा रही हो तुम? अभी अभी आप ही ने कहा कि मेरे वजह से आप। मेरे डिसीजन मुझसे पहले मत लो मिस खतरा। एक मौका दे रहा हूं, बस एक और। नौकरी बचानी है तो तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा कि तुम खाली और खोखली नहीं हो, कि एक नौकरी नहीं बचा सकती। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है नैना, तुम हमेशा जल्दबाजी करती हो और नुकसान हमेशा तुम्हारा ही होता है। तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम आउट ऑफिस में काम करो। मैं इतना भी बुरा बॉस नहीं, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर काम कर रहे हो। प्राइवेट एंड पर्सनल। क्यों? नौकरी नहीं करनी, छोड़नी है? गुड। जरूरत ही इंसान से चमत्कार करवाती है। करो, मेरे लिए काम करो। एंड वन मोर थिंग नैना, मैं पांडे नहीं हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं बनाने वाला। मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं थी, और आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करने की आदत है मुझे। सो डोंट यू वरी। अरे नैना मैडम, आपसे काम था। जी कहिए। हमने वो आपको पैसे दिए थे ना कल, उसमें से 10,000 रुपया दे दीजिए, वेंडर की पेमेंट करनी है। जी अभी देती हूँ। ये क्या, यहीं तो रखे थे मैंने पैसे, कहाँ चले गए? पांडे जी, मैंने पैसे इसी ड्रॉवर में रखे थे, पर पता नहीं अब पैसे ड्रॉवर में नहीं है। क्या बात कर रही हैं? मरवाएंगी क्या? अरे ऐसा गजब मत कीजिए, अच्छे से देखिए। हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसी ड्रॉवर में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं अभी अंदर से बाहर आई तो गायब है। 20,000 रुपए आपने यहाँ रखे थे ना,
अरे तो फिर गए कहाँ? अरे क्यों हमें रोज रोज नए नए नाच नचवाती हैं, नए नए तमाशे दिखाती हैं? जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, सब उलट पुलट कर दिया है आपने। आप प्लीज मुझे ढूंढने दीजिए। हमें कुछ नहीं पता, अब जो कुछ भी हुआ है हमें सर को बताना ही होगा। अब आगे क्या करना है ये वही डिसाइड करें। क्या डिसाइड करना होगा सर जी? कल हमने नैना मैडम को 20,000 रुपया दिए थे, लेकिन आज गायब हो गए। बड़ी अजीब बात है, जब भी कोई गलती होती है तुम वही होती हो या उसका कारण होती हो। मिस नैना, तुम मेरे ऑफिस की सबसे इंटरेस्टिंग एम्प्लॉई हो। अब देखो ना, तुमने अपना इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी खाली छोड़ दिया और अब ये नया बकेड़ा खड़ा कर दिया है। तुम्हारी गलतियों की गिनती तुम्हारे ऑफिस में काम करने के दिनों से कहीं ज्यादा है। मैंने काफी कोशिश की कि तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर सकूं, सोचा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये गलती, चोरी, इसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने चोरी नहीं की। हर चोर यही कहता है, और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई है भी नहीं, तो हमारे पैसे कौन लौटाएगा? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, बता दो पैसे कहां हैं? पैसे कहां गायब हुए मुझे नहीं पता, मैंने इसी ड्रॉअर में रखे थे और अब यहां नहीं है। गायब हो गए? जैसे तुम्हारा चरित्र और नियत गायब हुई है। मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारी बात पर मैं विश्वास कर लेता अगर तुम्हारी हिस्ट्री में पैसों का लालच नहीं होता। तुम तो पैसों के लिए रिश्ते तोड़ देती हो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी करे? इतनी भी जरूरत नहीं थी। अरे नैना मैडम, अगर आपने पैसे लिए हैं तो दे दीजिए, नहीं तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें आप ही की बदनामी है। मेरा विश्वास कीजिए पांडे जी, मैंने सच में कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने सच में पैसे यहाँ रखे थे और अब यहाँ से गायब हो गए, मैं वाला क्यों चोरी करूंगी? मिस नैना बत्रा, मेरा बिजनेस बातें चलाने से नहीं चलता, और अक्सर ऐसे मासूम चेहरों के पीछे ही असली गुनहगार छुपा होता है। पांडे, जब तुमने मिस नैना को पैसे दिए तब से लेकर अब तक सारा सीसीटीवी फुटेज मेरे पास लेकर आओ, पता लग जाएगा कि पैसे कहां गए। सर, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, हमारे ऑफिस के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे। हमने शर्मा जी को बोला था ठीक कराने के लिए। और शर्मा जी इधर आइए, ठीक करवाया आपने सीसीटीवी? लगता है भूल गए। सर जी अब आप ही बताइए, सारे ऑफिस की जिम्मेदारी हमारे नाजुक कंधों पर आ जाती है, हम क्या क्या करेंगे? तो ठीक है, ऑफिस में जितने स्टाफ हैं सबकी तलाशी होगी। चौंकने की जरूरत नहीं है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि चोर ऑफिस में ही है। नैना से शुरुआत करते। अब ये सही नहीं है सर। हमारा कहने का मतलब है कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नैना मैडम एक लेडीज है और लेडीज की तलाशी लेना कुछ ठीक नहीं रहेगा। क्यों? ये सारी औरतें नारा लगाती है ना जेंडर इक्वालिटी का, अगर इस ऑफिस में मेल स्टाफ की चेकिंग होगी तो फीमेल स्टाफ की भी होगी, और अगर नैना गिल्टी नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्यों नैना? सर मैं आपके एम्प्लॉय मिस्टर शर्मा की वाइफ हूँ, मैं यहाँ काम तो नहीं करती, लेकिन सर ऐसे खड़े खड़े तमाशा भी नहीं देख सकती, एक औरत की सबके सामने तलाशी ली जाए, सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं इनकी तलाशी ले लेती हूँ, आइए। नैना एक काम करो, मिसेस शर्मा की तलाशी लो। मेरी तलाशी? लेकिन क्यों सर? क्या बात हुई, ये मेरी बीवी है, मुझे यहाँ टिफिन देने आती है, इसकी तलाशी कैसे ले सकते हैं? हाउ स्वीट।
शर्मा जी, आपकी बीवी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बेचती है ना, काफी टेस्टी भी होगा, देखे तो सही आपके लिए क्या बेचती है। आलू की सब्जी मुझे काफी पसंद है। काली दाल, खाना कितना अच्छा बनाती हैं। आई एम श्योर इसमें रोटी होगी। पता नहीं तो आजकल सब्जी के साथ लोग रोटी नहीं नोट खाना पसंद करते हैं। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा। शर्मिंदा आपको नहीं, आपके पति शर्मा जी को होना चाहिए। ये सब क्या नाटक है? आज तुम बड़े आसानी से बच जाते, लेकिन तुम्हारी बीवी इतनी उतावली हो रही थी नैना की तलाशी लेने के लिए, और तुमने सीसीटीवी कैमरास भी नहीं ठीक करवाए थे। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, और चोर यहीं कहीं है। सर मेरी बीबी निर्दोष है सर। सर मैंने ही उसे कहा था कि पैसे चोरी में मेरा साथ दे। हमारे घर के हालात अभी कुछ ठीक नहीं सर, कुछ अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी बच्चों की फीस भरने के लिए। मुझे सर अपनी गलती का अफसोस है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर, प्लीज सर। पांडे पुलिस को फोन करो। जी सर। वादा जैसा शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। पहले भी इस शब्द ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब नहीं। इस शब्द के लिए मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा पति जेल जाएगा, मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।